वर्खा दरमियान जेल तो बाहर आ रहे इन्हें हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 10 वर्षों की सजा कट रहे सन ते हुण तिहाड़ जेल तो रिहा हो गए ने। वैसे पहला ही पेरोल ते बाहर सन। पिछले महीने ओपी चौटाला नूं 10 वर्षों की सजा पूरे होने तो पहला ही रिहा करन दा फैसला लिया गया सी। चौटाला बीते 9.5 साल तो JBT घोटाले च दोषी होने करके जेल दीआं सलाखां पिछे सन। ओम प्रकाश चौटाला जी मेदांता में उपचाराधीन थे और आज लगभग 10:30-11 बजे उन्होंने तिहाड़ में सरेंडर किया। हमने इस बारे में एक फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल की कि उन्हें फाइनल रिलीज किया जाए। कागजी कार्रवाई के बाद तिहाड़ प्रशासन द्वारा उन्हें फाइनल रिलीज कर दिया गया है। 1999 च 3206 JBT पोस्टां लई विज्ञापन जारी होया सी। 2000 च अध्यापकां दी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। हरियाणा दे 18 जिलों च अध्यापक नियुक्त किए गए। 2003 च नियुक्तियां ते सवाल उठे ते मसला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट दे कोले। 2003 च सुप्रीम कोर्ट ने CBI नूं जांच दे हुक्म दिते। जुलाई 2011 च मुलजमां खिलाफ चार्ज फ्रेम होए। दिसंबर 2012 च केस दी सुनवाई पूरी कीती गई। 2013 च ओपी चौटाला ते उहनां दे पुत्र अजय चौटाला नूं दोषी करार दिता गया। 22 जनवरी 2013 नूं 10-10 साल दी सजा सुनाई गई। 9.5 साल जेल च रहन बाद ओम प्रकाश चौटाला हुण रिहा हो गए ने। हालांकि उन्हां दी रिहाई दे नाल हरियाणा दी सियासत च कोई वड्डा फर्क नहीं पैण वाला क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला 6 साल तक एक्टिव राजनीति नहीं कर सकदे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा दे साबका उप मुख्यमंत्री चौधरी देवी लाल दे बेटे ने ते हरियाणा दे मौजूदा डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला दे दादा ने। 1970 च एलनाबाद तो पहली बार विधायक बने सन। ओम प्रकाश चौटाला 4 बार हरियाणा दे मुख्यमंत्री रह चुके ने। पहली बार 1999 च ओपी चौटाला जनता दल वालों चोन लड़के CM बने ते दूजी बार 5 दिनां दे लई 12 जुलाई तो 16 जुलाई तक CM रहे। 1999 तो 2005 दौरान पहली बार उन्होंने 5 साल दा अपना कार्यकाल पूरा किया। इंडियन नेशनल लोक दल दे मुखी रहे ओम प्रकाश चौटाला 7 बार विधायक चुने गए ने, पर घोटाले च दोषी पाए जाने बाद सियासत तो दूरी हुई अते हुण अगले कुछ वर्यां तक ये दूरी बरकरार ही रहेगी।